दोस्तों, हम जानते हैं काफ़ी टाइम से आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो भाई आपका वेट बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। तगड़े तरीके से बिल्कुल हैवी टेस्टिंग करेंगे इस नेक बैंड की, और यहाँ पर हम बाइक कॉलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। बिल्कुल वो मैंडेटरी है, उसको कैसे भूल सकते हैं हम। आइए, और जैसे आप एनसी मोड में स्विच करेंगे आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा, आप बोल सकते हैं। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर फाइनली हमारे पास रिसीव हो चुका है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC नेक बैंड। इसको मैंने पर्सनली परचेज किया हुआ है अमेजोन से। इसका प्राइसिंग 2300 रुपये के आसपास है, और यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड मिलने वाला है। 3 माइक्स का सेटअप दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। फीचर्स कैसे हैं इसके, बिल्ड कैसी है, इसमें आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलेगा। एक एक टेस्टिंग हम करेंगे बिल्कुल हैवी तरीके से, ताकि अगर आप इस नेकबैंड को परचेज करने का सोच रहे हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप फाइनली डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं इस टाइम पर। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं शुरुआत इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 ANC नेकबैंड का ऐसे बिल्कुल आपको डिसेंट पैकेज मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है, प्राइसिंग भी मेंशन की गई, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर रेड केबल क्लब का कार्ड, इसके बेनिफिट्स यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिलने वाली है, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी, क्या क्या इसके फीचर्स है, बटन कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, वैसे हम सब डिटेलिंग में आगे चेक करने वाले हैं। एक छोटी सी आपको यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर नेकबैंड एक्स्ट्रा, ये टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ऐसे लुक एंड फील का आपको प्लास्टिक बिल का नेकबैंड मिलने वाला है। सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया इसके यहाँ पे नेकबैंड में, इसको आप ऐसे फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सिलिकॉन मटेरियल के बिल्ड को लेकर मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लग रहा है, वैसे सही क्वालिटी यूज की गई है। एंड इस साइड पर देखेंगे तो सिंपली आपको वन प्लस की ब्रांडिंग मिलने वाली है, ऐसा कोई यहाँ पे बटन प्रोवाइड नहीं किया गया, और जो प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं बोल पाएंगे ना ही खराब बोल पाएंगे, यहाँ पे आपको अच्छी डिसेंट आप बोल सकते प्लास्टिक बिल मिलने वाली है। और दूसरे साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शनल बटन्स मिलने वाले हैं। एक रीसेट का बटन मिल जाएगा, प्लस माइनस का बटन, एक्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको साइड में मिलने वाला है एक टाइप सी का पोर्ट चार्जिंग पर्पस के लिए। और नीचे आप जाएंगे तो ऐसी आपको मोटी सी बिल्कुल यहाँ पे वायर्स मिलने वाली, वायर की क्वालिटी को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बड्स, बड्स आपको पूरे यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड के मिलने वाले हैं, ऐसे आप देख सकते हैं थोड़े मोटे डिजाइन के यहाँ पे आपको बड्स दिए गए हैं। एंड इसमें आपको मिलने वाला है प्रॉपर मैग्नेट्स, इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से नेक पे प्लेस करेंगे, लाइट वेट नेक बैंड ये, इसको लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे, फिटिंग भी आपको सही मिलने वाली है। मेनली आपके कानों का साइज मीडियम साइज या बड़े साइज से कान है, इसका थोड़ा बड्स का एरिया मोटा दिया गया है, थोड़े मीडियम साइज या बड़े साइज से कान की इसकी डिजाइनिंग दी गई है। अगर आप प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे फिटिंग आपको सही मिलने वाली है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी, आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने काफी कोशिश की हुई एक्टिविटीज करके, वर्कआउट्स करके, लेकिन कानों में आपको फिटिंग सही मिलने वाली, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। और इसके हम पेयरिंग की बात करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक बड्स है इसको आप अलग कर देंगे तो ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा। बाय चांस अगर पेयरिंग मोड में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया अलग से एक रीसेट का, इसको आप 3 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में एंटर कर जाएगा। और आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। और इसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन दिखने वाला है, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉपअप दिखा देगा आपके फोन में, सिंपल स्टेप से यहाँ से आप पेयरिंग कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें आपको मिलने वाला है हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट, या फिर अगर आप किसी किसी फोन में क्या ब्लूटूथ की सेटिंग्स में आप जाएंगे, जैसे मेरे में दिखा रहा है यहाँ पे मैं वन प्लस 9R यूज कर रहा हूँ, ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको दिखा देगा ईयरबड्स फंक्शन का ऑप्शन। यहाँ पर आपको मल्टीपल डिटेल्स मिलने वाली है, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा नेकबैंड की कितनी बची हुई है, यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन फीचर है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। मल्टीपल आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले, इसमें आपको बैलेंस मोड, बोल्ड मोड, सेरेनेट, बेस बूस्टेड मोड, मल्टीपल यहाँ पर आपको इक्वलाइजर मोड्स के साथ आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको आउटपुट कैसा चाहिए, वोकल्स पर क्लैरिटी डालनी है, बेस पर क्लैरिटी डालनी है, अपने हिसाब से आप आउटपुट सेट करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं म्यूजिक क्वालिटी का। इसमें आपको ईयरबड्स कंट्रोल में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो बीच वाला बटन है, यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करने से क्या एक्जैक्टली हो, नॉइस कैंसिलेशन फीचर ऑन हो के ऑफ हो, लॉन्ग प्रेस करने से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और डबल प्रेस करने से यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं, स्विच डिवाइस कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट नहीं है, डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन है, बीच वाले बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे डिवाइस टू डिवाइस स्विच होता रहेगा। साथ ही में आपको फाइंड माय ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको इमरजेंसी के टाइम भी यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं। और अगर आपका फोन यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, इसको ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से आप एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ले सकते हैं डॉल्बी एटमॉस को लेकर, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और एक नजर हम डालेंगे इसके फीचर्स पार्ट को लेकर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर, 12.4 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा, डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, इसमें आपको 3 माइक्स का सेटअप मिलने वाला है नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाएगा, हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, 20 से 28 घंटे के बीच में आप बोल सकते हैं बैटरी लाइफ मिलेगी ऑन अ सिंगल चार्ज, डिपेंड करता है ANC मोड पे। ANC मोड में ऑन करके म्यूजिक सुनेंगे आपको
कंपेरेटिवली कम बैटरी लाइफ मिलेगी, बिना एएनसी म्यूजिक सुनेंगे आपको ठीक ठाक बैटरी लाइफ मिल जाएगी। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप चार्ज करेंगे यहाँ पे नेकबैंड को, मैसिव आपको 20 आवर्स का प्ले टाइम मिल सकता है। फीचर्स काफी इंप्रेसिव दिए गए, उसको लेकर दिक्कत नहीं लगी। और इसके बटन कंट्रोल्स की बात करेंगे, फुल बटन कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। उसका हिसाब किताब ऐसा है, जो बीच वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा। इसी को अगर आप डबल प्रेस करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, इसी को अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। प्लस को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे या लॉन्ग प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को आप सिंगल प्रेस या लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, सिंगल प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर जो एएनसी मोड ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया है, बीच वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो एएनसी मोड में स्विच करेगा, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर जाएगा। और इसके एएनसी मोड की बात करेंगे, इसका एएनसी मोड मेरे को बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क करता हुआ दिखा। जैसे आप स्विच करेंगे एएनसी मोड में आपको साफ साफ डिफरेंस पता चल जाएगा, 90% तक बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल हो जाएगी, दूर की आवाजें बिल्कुल नहीं पता चलने वाली है, सामने आपके कोई हल्के तरीके से बोलेगा नहीं सुनाई देगा, तेज बोलेगा हल्का हल्का सुनाई देगा। इसका एएनसी मोड को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसका डिसेंट तरीके से वर्क करता है, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है ट्रांसपेरेंसी मोड को लेकर, लेकिन हाँ रोबोटिक आवाज क्रिएट नहीं करता है, आपको एक्टिविटीज थोड़ी बहुत कैच होती रहेंगी बैकग्राउंड की, उस पर्पज से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें हालांकि ऐसा कोई गेमिंग मोड तो नहीं दिया गया है बिल्ट इन, लेकिन इसमें आपको 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी क्लेम की है, मतलब आप एक गेमिंग टेस्ट लगे आप देख लीजिए कितना आपको मिलने वाला है लेटेंसी इसमें। मैंने ना OnePlus 9R में SBC मोड ऑन करके गेमिंग करी थी, मुझे ज़्यादा लेटेंसी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि ना मेनली क्या गेमिंग मोबाइल टू मोबाइल डिपेंड करती है और ये OnePlus का ही नेकबैंड है, मैंने OnePlus का फोन यूज़ किया तो मुझे ज़्यादा लेटेंसी फील नहीं हुई। लेकिन आप बोल सकते हैं आपको अच्छी गेमिंग मिलने वाली, इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिल जाएगा, स्टीरियो सेपरेशन आपको बढ़िया मिलने वाला है, एनिमीज लेफ्ट साइड की राइट से आ रही है, इसको आप अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। भाई हार्डकोर म्यूजिक लवर और बेस लवर हो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। जो मल्टीपल इक्वलाइजर मोड दिए गए एप्लीकेशन पार्ट में, इसमें आपको बोल्ड मोड, सेरेनेट मोड मिल जाएगा, बेस बूस्टेड मोड मिल जाएगा, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेनली ना इसमें सेरेनेट मोड जो दिया गया है उसमें बेस काफी तक कम कर देगा, वोकल्स पे इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन पे फोकस डालेगा। बोल्ड मोड में काफी आपको एनहेंसमेंट मिलने वाली आउटपुट को लेकर, म्यूजिक और बेस को लेकर। और बेस मोड में जैसे आप स्विच करेंगे ऐसा लगेगा कानों से बड्स उछक रहे हैं, पावरफुल बूस्टेड धमाधम करने वाली आपको फीलिंग मिलने वाली है। प्रॉपर आप बेस लवर हैं, म्यूजिक लवर हैं, आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन से मतलब है, वोकल से मतलब है, ट्रेबल से मतलब है, क्लैरिटी से मतलब है, बेस से मतलब है, अपने सब सब आउटपुट सेट करके इसमें आप परफेक्ट एक्सपीरियंस ले पाएंगे। म्यूजिक बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं किया गया है। कॉलिंग की बात करेंगे, 3 माइक से सेटअप दिया गया है AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। आप हमारा देख लीजिए DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम बाइक पे, आप देख लीजिए इसका कॉलिंग टेस्ट। हेलो, हाँ दीक्षा क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी, बताओ। ओके यार, यहाँ पे मेरे पास ना OnePlus Wireless Z2 ANC नेकबैंड जो मैंने भी मंगाए थे ना यहाँ पे Amazon से, तो उसकी मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो फिलहाल क्या मैं स्टेबल कंडीशन में हूँ, आउटर कंडीशन में बाइक पे बैठा हुआ सिंपली, तो मैं अभी नेकबैंड के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज समय कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो मतलब क्लियर आ रही है, वोकल्स क्लियर है, और मुझे बैकग्राउंड की एक्टिविटी हल्की फुल्की पता चली, कोई खास नहीं पता चल रही है। वोकल्स कैसे हैं? लाउडनेस अच्छी है। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज स्टेबल कंडीशन में बोल सकती है, आउटर कंडीशन में अभी स्टेबल में हो तो 85%। अब मैंने अपनी यहाँ पे बाइक स्टार्ट कर दी है और मैं राइडिंग करूंगा, आप बता सकते हैं कंपैरेटिवली मैं राइड कर रहा हूँ यहाँ पे और बजा रहा हूँ, पीछे यहाँ से गाड़ियां भी जा रही है, विंड को लेके, नॉइस को लेके दिक्कत, मेरी आवाज को लेके दिक्कत कोई आ रही है तुमको? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी भी तुम्हारी मतलब वॉइस पे 80% तक फोकस है, ना ही मुझे इतनी ज्यादा विंड नॉइज आ रही है, ना ही इतनी बैकग्राउंड की एक्चुअली हॉर्न वगैरह पता चल रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं पता चल रहा है। 80% तक तुमको राइडिंग के टाइम पे फोकस है, 85% तक स्टेबल कंडीशन। हां हां, ऐसे कोई कॉलिंग में दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब तुमको ऐसे कुछ डिस्टर्ब नहीं? नहीं नहीं, सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हां बाय। कॉलिंग टेस्ट देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा इसकी आपको कॉलिंग कैसे मिलने वाली। अब हम करेंगे रेटिंग्स डायरेक्टली, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी और एएनसी फीचर को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 9.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10 और मैं इसके एएनसी फीचर को दूंगा 9 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड अप्रॉक्सीमेटली 2300 रुपये के आसपास। लेकिन 2300 रुपये ना मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइसिंग हल्का सा ज्यादा रखा गया है, क्योंकि जो रियलमी वायरलेस 3 है वो 1700-1800 रुपये के मिलते हैं,
और अगर आपको दोनों का कंपैरिजन चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हैवी कंपैरिजन वीडियो लेके आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से इसका प्राइसिंग अगर आपको ऑफर्स में या डील्स में 2000 रुपये के आसपास मिलता है इस टाइम पे, उस हिसाब से जस्टिफाई करता है। बाकी मैंने आपको सब बता दिया प्रोजन कौन सा आप पे डिसीजन मैटर करता है, इसको ग्रैप करना चाहिए कि नहीं, पॉसिबल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैप कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड टू एएनसी नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन एंड एज आई टोल्ड यू इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।